नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा कपूर ने साहू की शूटिंग के दौरान नौसेना अधिकारियों से की मुलाकात। श्रद्धा इन दिनों प्रभास के साथ फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं, क्योंकि साहू की पूरी टीम जल्द से जल्द शूटिंग खत्म करना चाहती है। अभिनेत्री बिना किसी ब्रेक के हर एक दिन 1.5 से 2 घंटे ट्रेनिंग ले रही है और 3 घंटे तक डांस की प्रैक्टिस भी कर रही हैं। श्रद्धा कपूर एक ऐसी अभिनेत्री है जो बॉक्स ऑफिस नंबर के पीछे भागने में यकीन नहीं करती हैं, बल्कि वो एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में होती हैं। श्रद्धा कपूर ने हाल ही में साहू की शूटिंग के दौरान एक समुद्री संस्थान में नौसेना अधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ कुछ तस्वीरें भी खिंचवाई। पूरे देश को अपने अभिनय और पर्सनैलिटी से दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री का समुद्री संस्थान की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धा और साहू की संपूर्ण फिल्म के लिए कुछ पानी के अंदर के सीन्स को शूट करने के लिए उस जगह पहुंची। करजत से पहले फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में हो रही थी। अल्ट्रा मॉडर्न एक्शन फिल्म में श्रद्धा कुछ धमाकेदार एक्शन स्टंट करते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु, हिंदी में एक साथ विभिन्न स्थानों पर फिल्माया जा रहा है और साहू के साथ श्रद्धा कपूर एक पैन इंडिया अभिनेत्री के रूप में अपना डेब्यू करने जा रही है। बता दें कि श्रद्धा ने हाल ही में छिछोरी की शूटिंग खत्म कर ली है और अब शहर में, यानी कि अब उनकी अगली फिल्म शूटिंग जो है साहू की, उसको खत्म करने की कगार पर है। यानी कि आप ये जानते हैं कि श्रद्धा कपूर की हमने स्त्री मूवी देखी थी, उसको इतना ज्यादा प्यार है, मतलब कि वो मूवी जो थी वो एक लो बजट की मूवी थी और उसको इतना ज्यादा प्यार और इतना ज्यादा कलेक्शन और कितना ज्यादा करोड़ों की कमाई उस मूवी ने कर ली थी। इससे ये सिद्ध होता है कि बिग बजट मूवी होना ये जरूरी नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट और कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है। कंटेंट अगर स्ट्रांग हो, आपकी स्क्रिप्ट अगर स्ट्रांग है, स्टोरी अच्छी है, तो कोई भी मूवी हिट हो सकती है। श्रद्धा कपूर ने बहुत सारी अच्छी फिल्मों में काम किया है, जिसमें कि काफी अच्छा बिजनेस श्रद्धा कपूर की फिल्मों ने किया है। तो देखते हैं, साहू में फर्स्ट टाइम वो प्रभास के ऑपोजिट नजर आ रही हैं, एक अलग ही केमिस्ट्री, अलग ही रोमांस आपको नजर आने वाला है। अभी तक जितनी भी वीडियोस, जितनी भी फोटोज हमारे सामने आई हैं या फिर जो भी शूटिंग के सेट से लीक हुई हैं, वो सारी फोटोज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें इंतजार है 15 अगस्त 2019 का, जब ये मूवी रिलीज होगी। अगर आप भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं इन दोनों की केमिस्ट्री को देखने के लिए, तो प्लीज अपना रिस्पॉन्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।